स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ ट्रिकोनोमेट्री का आइडेंटिटी का ये क्लास है, फर्स्ट क्लास है। आइडेंटिटी का मीनिंग आप जानते होंगे कि क्वेश्चन कोई भी दिया जाता है उसको प्रूव किया जाता है, यानी LHS और RHS जो क्वेश्चन में आपका रहता है LHS को RHS के इक्वल प्रूव किया जाता है। तो इसमें आपको पहले ध्यान देना होगा क्वेश्चन को देखकर कि हम LHS ले चलें या कि RHS। अगर LHS लेकर चलते हैं तो RHS तक पहुंचना होगा, या RHS लेकर चलेंगे तो LHS तक पहुंचना होगा। ये डिपेंड करेगा आपकी एबिलिटी पर। आपको फार्मूला जो दिया गया है, लगभग 18 से 21 फार्मूला आपको दिया गया है, जिसमें मात्र 5 फार्मूला है, जो पांचों फार्मूला इस आइडेंटिटी के इर्द गिर्द घूमता है। तो हम चाहेंगे तो LHS को लेकर RHS को भी ला सकते हैं इस क्वेश्चन में, या RHS को लेकर LHS को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को RHS लेकर प्रूव किया जाए, तो हम पहले RHS को लिख लेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब कोसेक साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो हम यहाँ पर 1/sin कोसेक का फॉर्मूला यूज करेंगे, और कॉट का फॉर्मूला cos/sin यूज करेंगे। अब यहाँ पर साइन साइन कैल्शियम साइन लेंगे, साइन से साइन को डिवाइड करेंगे, 1 1/1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका LCM लेने के बाद ये मिला। ध्यान देते चलेंगे कि हमारा LHS क्या है। अब हम चाहते हैं कि 1 cos नीचे आ जाए, तो यहाँ पर ट्राई करोगे पहले कि 1 cos नीचे लाना है, तो 1 cos से नीचे भी और 1 cos से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप आगे बढ़िएगा, तो आगे बढ़ने पर आप देखिएगा कि एक फार्मूला यहाँ बन गया, 1 sin 1 cos और 1 cos, यानी a+b और a-b, यानी 1 cos² बाई साइन और यहाँ 1 cos। 1 cos² का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, sin² होता है, और नीचे आपका ऑलरेडी साइन थीटा और 1 cos θ। एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा उसको आप लिख कर इसके बाद आप देखिए कि आपका LHS क्या है। आप LHS के पास पहुंच गए, LHS में है sin θ / 1 cos θ। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर दीजिए। अगर इस क्वेश्चन को आप LHS से RHS की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आप आसानी से LHS लेकर RHS प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि मैं इसको भाई पुनः मैं बता रहा हूँ। अब मैं LHS लेकर चल रहा हूँ, LHS लेकर आप चलते हैं sin/1 cos θ। न साइन का कोई फार्मूला, न कॉस का कोई फार्मूला, फार्मूला यहाँ पर कोई भी फार्मूला आपके पास नहीं है। तो आप क्लास 9th में इन कीजिए, रेशनलाइज करने के लिए आपको 9th में पढ़ाया गया होगा। अगर आपको याद होगा तब आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं याद होगा तो पुनः 9th का रिपीट करना पड़ेगा आपको। यानी 1 cos है तो आप 1 cos से मल्टीप्लाई कीजिए, और ऊपर आपका साइन है और 1 cos। तो यहाँ फार्मूला आपका एक बन गया, a+b a-b 1 cos² और ऊपर आपका है sin θ 1 cos θ। ये 1 cos² का फार्मूला होगा क्या चीज़, sin²θ, ऊपर आपका है sin θ और 1 cos θ। अब एक साइन से आपका एक साइन कट गया, बच क्या गया आपका 1 cos/sin। अब आपको इसको क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, 1 sin और यहाँ पर cos/sin। 1 sin आपका क्या होता है, cosec, और cos/sin क्या होता है, cot। इस प्रकार से आप LHS लेकर RHS को प्राप्त कर लीजिए। इसके अलावा इससे भी आसान मेथड है इसको प्रूफ करने के लिए, वह मेथड कब आप यूज कीजिएगा, जब आपके पास फार्मूला का ज्ञान हो जाएगा। और ट्रिकोनोमेट्री में आइडेंटिटी में मेनली है फार्मूला, लास्ट तक आप जब पहुंचते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी, उस समय जाकर आपको समझ में आता है कि फार्मूला क्या है, कहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा।
इसी प्रकार एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ जिसको प्रूव करना है, वह आपका क्वेश्चन है √(1−)√(1−)sin/1 sin θ इज इक्वल टू sec − tan इज इक्वल टू sec − tan θ। ये आपको प्रूव करना है। यहाँ प्रूव करने के लिए आप चाहे तो LHS लेकर चलें या RHS, लेकिन सबसे आसान आपको होगा इसको प्रूव करने के लिए कि आप LHS लेकर चलें। LHS में आपका है 1−sin/1 sin। पुनः आप क्या कीजिए कि इसको रैशनलाइज करते चलिए, 1 sin 1 − sin 1 − sin 1 − sin। आप देख रहे हैं कि नीचे आपका फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बना? 1 − sin² और ये 2 times मल्टीप्लाई है तो 1 − sin θ का होल स्क्वायर। अब एक स्टेप और आगे बढ़िए आप तो आपका रूट हट जाएगा, 1 − sin² / 1 − sin² का फार्मूला होता है cos स्क्वायर। दोनों स्क्वायर में आ गया, इसलिए रूट को हटाने के लिए टोटल को आप स्क्वायर में डालिए तो नीचे आपका ओनली cos होगा और ऊपर आपका 1 − sin होगा। इस प्रकार से रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, 1 − sin / cos यहाँ तक आपने पहुँचा। अब आपके पास समस्या है कि sec आना चाहिए tan आना चाहिए, तो sec इजीली आ जाएगा, आप अलग अलग कीजिए, 1 cos और ये sin cos। तो 1 cos आपका हुआ sec और sin cos हुआ आपका tan। इस प्रकार से आप RHS को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आप बुक में देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, इजीली बनेगा। फार्मूला को रखिए, कौन फार्मूला कहाँ पे यूज होगा, मेनली यही आपको देखना है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसे sin A + cos A sin / 1 + cos θ sin θ / 1 + cos θ + 1 + cos / sin 1 + cos / sin ये आपका LHS है और RHS में आपको लाना है 2 cosec θ आपको लाना है। क्या लाना है? 2 cosec θ ये आपको लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिएगा कि LHS को लिखिएगा और आगे की ओर बढ़िएगा। आगे की ओर बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आप LCM लीजिएगा। LCM आपका होगा 1 cos (sin) 1 cos कैंसिल होगा, ये sin²θ और यहाँ 1 cos θ का होल स्क्वायर। अब नीचे आपको कुछ नहीं करना है, जैसा है उसी प्रकार लिखते चलना है और ऊपर का फार्मूला आप यूज कीजिए, a + b² में 1 cos² + 2 cos θ। sin² जो cos² 1 आप पहले से 1 है, इसके बाद आपका मिल गया 2 cos θ / 1 cos θ और ये sin θ। इन दोनों में 1 + 2 cos θ / 1 cos और (sin θ) कॉमन आप जब लेते हैं तो कॉमन आपका 2 मिलता है, 1 cos / 1 cos और (sin) ये कैंसिल हो गया, आपका बच गया 2 × 1 sin 2 × 1 sin 2 और 1 sin का क्या होगा आपका cosec होगा। इस प्रकार आप इसको प्रूव कर दीजिए। इसी प्रकार आप क्वेश्चन देखते चलिएगा, बनाते चलिएगा और क्वेश्चन आपसे आसानी से बनता हुआ चला जाएगा। कब ऐसा होगा?
जब फार्मूला को आप पुट करने के लिए जानिएगा कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस का पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस का पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन का पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन का पावर फोर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसलिए आप इसको क्या कीजिए, पहले एरे से इसको लिख लीजिए, इसके बाद विचार कीजिए ये आपको क्या करना है। आप देखिए तो कि यहाँ पर कॉमन है, कॉमन आप ले लीजिए। अगर कॉमन आप ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। सिर्फ आपको कॉमन यहाँ पर दिखाई देगा, बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा। कॉमन लेने के बाद आप इन दोनों को कन्वर्ट करना है साइन के रूप में, तो इस कॉस स्क्वायर को वर्तमान अभी यहाँ पर आप लिख लीजिए, और कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ किए। अब आप यूज़ करने के बाद देख रहे हैं कि 1 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा आई इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका मिला। अब कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज़ कीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में आपका ये है साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और साइन स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस क्या आएगा, साइन का पावर 4 थीटा आएगा। अब आप चेंज कर दीजिए, साइन का पावर 4 पहले लिखिए और साइन स्क्वायर थीटा बाद में लिखिए, देखिए कि आपका ये RHS आपको आसानी से मिल जाता है। इस प्रकार इसमें 2 3 4 टाइप का क्वेश्चन आपको बताया गया, इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाइए। नेक्स्ट क्लास में आपको पुनः अलग अलग टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको बताया जाएगा। धन्यवाद।